नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी अभी आप सभी छात्र लोग का RPF SI कॉन्स्टेबल का फाइनली आप लोग का एडमिट कार्ड को दोस्तों जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप सभी छात्र लोग अपना जो एडमिट कार्ड है वो किस प्रकार से चेक करेंगे, कहाँ से आपको लिंक मिलेगा, कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको आना होगा अपने मोबाइल के गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा जानकारी अपडेट, आपको ये लिख के आपको गूगल पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है जानकारी अपडेट, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपका सामने फिर से इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। फिर आप सभी को थोड़ा सा नीचे आना होगा और नीचे आने पर जैसे कि आपको हम दिखा देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, ठीक है। और फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है RPF कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2024, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा। फिर आप सभी को थोड़ा सा नीचे आना होगा और नीचे आने पर जैसा कि आपको हम दिखा दें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड RPF कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2024 और यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक है, ठीक है। आपको करना क्या, आपको यहाँ पर ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है पंजीकरण संख्या, यानी कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद आप लोग अपना डेट ऑफ डालेंगे, उसके बाद आप लोग लॉगिन पर क्लिक करके आप लोग अपने एडमिट कार्ड को काफ़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आप लोग हमारे से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। और नीचे आने में जैसे कि आपको हम दिखा देंगे, जैसा कि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम और ज्वाइन व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो ये वीडियो को कैसे लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।